मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें तो उन्हें मिल जाती हैं जो अपने जिद पर अड़े होते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं सुभान लाही, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इस न्यू व्लॉग को। हाँ तो गाइस, आज का हमारा प्लान, जिस जगह का प्लान था वो जगह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और मुझे वहाँ जाके पता चला तो अब व्लॉग तो बना नहीं सकते थे। और आज मैं और सार्थक ऐसे ही टहलने निकले थे कैंटोनमेंट की तरफ, तो सोचा ब्लॉग तो बनाना था तो सोचा उसी का ब्लॉग बना दें और उसको कैंटोनमेंट को दिखा दें। हाँ तो दोस्तों, अब चल रहे हैं कैंटोनमेंट की तरफ, अब चल के आपसे वहाँ पे मिलते हैं। फाइनली हम लोग कैंटोनमेंट के अंदर पहुंच चुके हैं, अब चलते हैं इसके अलग अलग जगह देखते हैं कैंटोनमेंट की। ऐसे जितने बड़े शहर है, हर बड़े शहरों में कैंटोनमेंट एरिया तो रहता ही है। एक वीडियो मैंने देखा था बिहार का कैंटोनमेंट, तो पहाड़ों पे था, आने वाले की ट्रेनिंग वाली पहाड़ों पे। ये देखिए, हम लोग को एंट्री करते ही इतना अच्छा एक फाइटर जेट का एक मॉडल दिखा है, जिस तरह DLW वाले वीडियो में ट्रेन का मॉडल दिखा था उसी तरह से इसमें। अब ये कैंटोनमेंट के चौराहे से राइट साइड जाएंगे तो कचहरी जाएगा, लेफ्ट साइड जाएंगे इधर तो आए में हम लोग के आ गया कैंटोनमेंट का चर्च। ये मेरे हिसाब से बनारस का सबसे बड़ा चर्च यही है। राइट साइड जब मुड़ेंगे तो यहाँ जो लोग को कार सीखनी रहती है उन लोग का क्लास, उन लोग का कोर्स यहाँ रहता है कार सीखने वालों के लिए, यहाँ से राइट साइड जाएंगे। तो मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? अब सामने मेरे हिसाब से सामने चलेंगे तो नेहरू पार्क आएगा, चलिए सामने चल के देखते हैं। हाँ तो अब हम लोग आ चुके हैं नेहरू पार्क और हम लोग करते हैं अब अपनी बाइक को भी पार्क, फिर चलते हैं हम लोग देखने पार्क, चलिए चला जाए। हम लोग आ चुके हैं नेहरू पार्क, बनारस के फेमस पार्क। हम लोग को आते साथ जो व्यू मिला आप भी देखिए। फ्रेंड्स, यहाँ नेहरू पार्क बच्चों से लेकर के बड़ों तक का खेलने का, एन्जॉयमेंट का, एंटरटेनमेंट का ध्यान रखा गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग चल रहे हैं नेहरू पार्क की उस जगह, जिस जगह को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वो है नेहरू पार्क का फाउंटेन। चल के वो दिखाते हैं आपको। इस फाउंटेन की छीट फुहार हम लोग के ऊपर भी आ रही है, जो कि गर्मी में बहुत ज़्यादा मज़ा दे रहा है। अभी इस फाउंटेन का वो व्यू नहीं आ रहा है जो कि इसका एक्चुअल में है, उसका एक्चुअल व्यू देखने के लिए हम लोग थोड़ा रुकते हैं, शाम का इंतज़ार होते हैं, थोड़ा अंधेरा होने देते हैं, तो उसके बाद जो लाइटनिंग होगी वो चल देखा जाएगा। अब शाम होने के इंतज़ार में हम लोग रुके तो रहेंगे नहीं, जब से हम लोग और चीज़ें आपको दिखा दें हम लोग भी देख लें चल के। जैसे ही अंधेरा होता है तो हम लोग देखते हैं चलिए फाउंटेन को भी। हम लोग बैठे हुए हैं ठीक फाउंटेन के सामने इंतजार करने के लिए, लाइटिंग अब चालू हो, देखते कब चालू होती है। अभी तक तो फाउंटेन चला था वो भी बंद हो गया, देखते लाइटिंग कब स्टार्ट होती है। हम लोग बैठ के इंतजार देख रहे हैं फाउंटेन का, और फाउंटेन के ठीक सामने जो बिल्डिंग दिख रही है आपको वो है JP मॉल, यहाँ से पीओ के चलते हैं वहाँ भी। जो एक्सपेक्ट किए थे लाइटनिंग के, अभी तक वो लाइटनिंग हम लोग को मिली नहीं है, देखते हैं मिलती भी है कि नहीं मिलती है। हम लोग ऊपर भी ठीक आ रही है।
हाँ तो गाइस हम लोग के साथ एक आज बहुत बड़ा वाला स्कैम हो गया। हम लोग ने यहाँ के एक गार्ड से पूछा कि भैया लाइटनिंग कब होगी, बोले कि बस थोड़ी देर में होने वाली है। हम लोग इंतज़ार देखते देखते फिर पूछे यहाँ के दूसरे वर्कर से, उन्होंने बोला लाइटनिंग सिर्फ संडे को होती है और हम लोग आए आज मंडे को। इतना इंतज़ार करना बेकार तो नहीं, अब छोड़िए जो भी कहा जाए, चलिए चलते हैं, भूख लगी है, जेएसवी मॉल चल के देखते हैं क्या मिलते हैं वहाँ पे। हम लोग कैंटोनमेंट के एक्चुअली बनारस के फेमस मॉल में, जेएसवी मॉल। हम लोग के ठीक सामने एक फंक्शन हो रहा है, चलिए देखते हैं क्या है। हाँ तो फ्रेंड्स अब हम लोग खा के भी फ्री हो चुके हैं और थक भी चुके हैं, साथ तक भी आ गया। अब चल क्या हुआ, चलते हैं, चल रहे चलिए, अब चलते हैं। गाइस हम लोग निकल चुके हैं कैंटोनमेंट से, अब चल रहे घर की तरफ। हम लोग के लेफ्ट साइड है बनारस का फेमस ताज होटल। फाइनली फ्रेंड्स पहुंच चुका हूँ घर, और उस बात का अभी भी अफसोस है कि जो जगह मैं चाहा आप लोग को दिखाने के लिए जगह नहीं दिखा पाया, जो कि रीज़न आपको मालूम है, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसकी डेट आई अगले महीने कि अगले महीने उसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा, तो जैसे उसका कंस्ट्रक्शन पूरा होता है तो आप लोग को चलिए वो जगह भी दिखा देता हूँ, और तब तक लिए वो जगह रहेगी आप लोग के लिए सरप्राइज़। तो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, शब बख़ैर।